पेट्रोलियम किस प्रकार से प्राप्त होता है जमीन में से, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुएं खोदे जाते हैं समुद्र में, कुएं खोदे जाते हैं, ऐसे पाइप डलते हैं उसमें कुओं में और बहुत नीचे जाते हैं। तो देखो जब समुद्र रहेगा तो वहां पर जल भी रहेगा, जल के साथ में ये तेलाशयी चट्टाने रहती है, तेल वाली चट्टाने रहती है जिनके बीच में अपनों को पेट्रोलियम मिलता है। तो ये तेल की चट्टाने भी दिख रही तुमको और ये गैस वाली भी है। तो कुछ कुएं ऐसे होते हैं जिससे अपन गैस निकालते हैं और कुछ कुएं ऐसे होते हैं जिनसे अपन ये जो तेलाशयी चट्टाने हैं इनसे अपन पेट्रोलियम निकालते हैं। समझ गए कि नहीं? और ये देखो इसमें अपन ने लिख दिया पेट्रोलियम था प्राकृतिक गैस के भंडार, तो समुद्र के अंदर ये भंडार प्रचुर मात्रा में है और अरब देश में बहुत ज्यादा है। अरब देश में जो समुद्र के किनारे आसपास वहां पर प्रचुर मात्रा में ये चीज पाई जाती है। तो जहां पर जितनी पेट्रोलियम ज्यादा पाया जाएगा वो देश उतना ही उन्नत हो जाता है। आज अपन को मालूम है अरब देश में सब अरबपति है, कोई गरीब है ही नहीं, और जबकि पूरी दुनिया से सबसे बेस्ट चीज वो खाते हैं, उगा लेते हैं वो हर जगह। तो अपने भारत में भी बॉम्बे मद्रास कोची ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर ये इसके भंडार है और भी खोज चल रही है इसकी। अच्छा ये तो आपका हो गया, इसको सब आप उतारना, दूसरी बात आप सब काफी निकालो और दो प्रश्न तो अभी दो प्रश्न लिखो आप सर, दो प्रश्न आप लिखो सब बच्चे काफी निकाल लो। इसमें आप पहला प्रश्न लिखेंगे जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जो अपन ने भी पढ़ा। अब अपन को इसमें दो प्रश्न के उत्तर अपनों को देना है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, कहते हैं। और एक और लिखो, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले, दूसरा प्रश्न है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पादों का नाम बताइए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पादों का नाम बताइए। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पादों का नाम बताइए। हाँ, और पहला जो प्रश्न था जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ये अभी आपको इसका उत्तर लिख के बताना है। ठीक है, अभी ये करके बताइए आप, चलो इतना करिए आप। छुट्टी के बाद